नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल अर्थात 9 मार्च को होलिका का महापर्व है, जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार कुंडली में स्थित ग्रहों की शांति का बहुत ही श्रेष्ठ दिन बताया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शनि शांति का एक ऐसा महाप्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसे यदि आपने होलिका के दिन कर दिया तो मित्रों मेरा विश्वास मानिए, चाहे आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या फिर साढ़े साथी, या फिर आपकी कुंडली में शनि की दशा अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव अकारक होकर 6, 8, 12 में स्थित हैं, शनि से संबंधित कैसी भी स्थिति से यदि आप हो रहे हैं परेशान, तो मित्रों आचार्य जैमिनी के द्वारा बताया गया एक ऐसा सूत्र आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे यदि आप होलिका के दहन के दिन करते हैं तो शनि संबंधित सभी समस्याओं से 100% मिलेगी आपको निजात। यहाँ मित्रों मैं आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि शनि सदैव बुरा फल नहीं देते, क्योंकि शास्त्र मान्यता अनुसार यही वह ग्रह हैं जो रातों रात आदमी को जमीन से आसमान तक ले जाते हैं। किंतु यदि आपकी कुंडली में शनि देव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ नहीं है, या फिर शनि की ढैया या साढ़े साथी में आप हो रहे हैं परेशान, तो जैमिनी ऋषि ने स्वयं कहा है कि जिन भी व्यक्तियों को शनि से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है तो उन्हें होलिका दहन के दिन अवश्य करना चाहिए यह एक महा उपाय। तो आइए जानते हैं कौन सा है वह महा उपाय। अब मित्रों यहां मैं आपको उपाय बताने से पहले बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यह पता होगा कि हमारे ऊपर ढैया या साढ़े साथी चल रही है, किंतु बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होती। तो यहां मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो वहीं धनु मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है। और बात करें यदि शनि की दशा या अंतरदशा की, तो वह उन्हीं लोगों को पता होगी जिन लोगों के पास स्वयं की कुंडली होगी। तो आइए जानते हैं होलिका दहन के दिन आपको करना क्या है। मित्रों शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि जिन भी व्यक्तियों को शनि संबंधित समस्या देखने को मिलती है उनको चाहिए कि होलिका दहन के दिन 125 ग्राम काले तिल खरीद लें और इन काले तिलों के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें और होलिका दहन से पहले एक आसन के ऊपर बैठकर अपना मुख पूरब की तरफ कर लें। अब जिन काले तिलों के अंदर आपने थोड़ा सा तेल मिलाया है, इन तिलों को अपने दोनों हाथों के अंदर मलते हुए 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मंत्र मित्रों एक बार दोबारा से सुन ले, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए एकाग्रचित्त होकर शनि महाराज को प्रणाम करें और मानसिक रूप में ही अपने समस्त प्रकार के कष्टों का ध्यान करें। साथ ही शनि देव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हमें जितने भी कष्ट देखने को मिल रहे हैं इन सभी से आपकी कृपा से हमें मुक्ति प्राप्त हो। हे न्यायप्रिय शनिदेव, हमारे ऊपर पूर्ण रूप से दया दृष्टि बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए जब आपके 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप हो जाए तो मित्रों आपको चाहिए कि उसी आसन पर बैठकर आप एक हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि जो भी हनुमान जी महाराज की आराधना करता है उस व्यक्ति को शनि प्रकोप का बुरा साया जीवन में कभी नहीं देखने को मिलता। हनुमान चालीसा पूर्ण होने के पश्चात हनुमान जी महाराज और शनि महाराज को प्रणाम करें और ये जो तिल जिनको आपने हाथों में लेकर मला था इन्हें एक कागज के अर्थात 6:26 से पहले आपको यह प्रयोग कर लेना है। और मित्रों जब होलिका दहन हो रहा हो, यहां मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन इस बार 6:26 से 8:52 तक का रहेगा। इस समय में जब आपके यहां पर होलिका दहन हो चुका हो उस होलिका दहन के अंदर इन तिलों को डाल दें और एकाग्रचित्त होकर हनुमान जी महाराज से ऐसी कामना का ध्यान करें कि शनि प्रकोप से जो भी हमें समस्या देखने को मिल रही है इन सभी समस्याओं से हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारी रक्षा हो। मित्रों शास्त्र मान्यता अनुसार तथा जैमिनी ऋषि के अनुसार यह इतना सिद्ध प्रयोग है जिसे यदि होलिका के दहन के दिन आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो शनि प्रकोप से आपको किसी भी प्रकार की यदि समस्या जीवन में देखने को मिल रही है तो उन सभी समस्याओं से आपको मिलती है बहुत शीघ्रता से निजात। ऐसे में यदि आपके ऊपर भी शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही है या फिर शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो इस प्रयोग को होली पर अवश्य करके देखें, अवश्य देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।